इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सानहे मच को अब आज पांचवा रोज है और हजारा बरादरी का मरकजी धरना कोयटा की शदीद सर्दी में मुसलसल जारी है और आज भी जारी था। मुजाहिरीन आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान के मंतज़िर हैं, उनकी आमद तक कहते हैं वह मैयतें नहीं दफनाएंगे और वो इससे कम किसी बात पे राज़ी नहीं हैं। वज़ीर आज़म लवाहिकीन को पुरसा देने अभी नहीं पहुँचे हैं, बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के शदीद खतरात हैं। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है कि इस माहौल में इस वक्त इस मकाम पर उनका पहुँचना यकीनन ये सिक्योरिटी के लिए बहुत शदीद मसाइल हो सकते हैं। मगर आज पाँचवें रोज़ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कोयटा पहुँच कर धरने में बैठे मुजाहिरीन से मुलाकात की। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस मकाम पर पहुँचे, इजहार यकजहती किया, अपने अफसोस का इजहार किया और मुजाहिरीन से खिताब भी किया। आपके सामने अपना पार्टी का, अपना ख़ानदान का, हमारा ग्रीफ आपके साथ हम पहुंचाते हैं, अपना साथ आपके साथ इजहार करते हैं और आपके जो मुतालबात हैं उनका हम हमायत करते हैं। 1999 से ले कर आज तक 2000 शहीद हो चुके हैं, एक को भी इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान की गली कूचों में आपके साथियों, आपके हमदर्द, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आपके साथ इस एहतजाज में हैं। आपके ऊपर जो क़यामत टूटी है उस पर मैं आपसे अपनी जमात की तरफ से, मियाँ साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं दिली तज़ियत करती हूँ। 5 दिन से हम सब ये टीवी पर देख रहे हैं, आपकी तकलीफ़ का एहसास है हमें, पूरी कौम आपके साथ आपके गम में शरीक है। आज सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतजर हैं, चल कर आएं और इनकी दादरसी करें। ये बहुत अहसन बात है, अच्छी बात है कि अपोजिशन के रहनुमा पहुँचे, दादरसी की, उनसे ख़िताब किया और यकीनन एक गुडविल थी वहाँ पे। और शायद अगर मुमकिन होता तो ये दोनों रहनुमा इन नवाकिन से अपनी मैयतों की तदफीन की दरख्वास्त भी करते, शायद इनकी बात सुन ली जाती, क्योंकि बहरहाल लाशें वहाँ पर मौजूद हैं। 5 रोज़ कबल मच में हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 10 कानकुनों को दहशतगर्दों ने बेरहमी से कत्ल किया था। इनमें से 7 के बारे में बताया गया था कि वो अफगान सिटीजन थे। इस वाक़े के बाद से कोयटा में मनफी दर्जा हरारत में हज़ारों औरतें, मर्द और बच्चे धरने में बैठे हुए हैं। मुतालबा उनका यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद आकर लवाहिकीन की दादरसी करें। इससे पहले भी इस किस्म के वाक़ात में इसी अंदाज के धरने हम कई बार पहले देख चुके हैं। उसमें एक दफ़ा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ इस मकाम पर पहुँचे थे, दादरसी की थी, वही रिवायती तहफ़ की यकीन दहानी कराई थी, मगर फिर वाक़ात होते रहे हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने बयान में लवाहिकीन से अपील की थी कि वह लवाहिकीन के प्यारों को तदफीन कर दें और वह जल्द कोयटा आएंगे। कल एक टेलीविजन इंटरव्यू में जो उन्होंने टर्किश टीवी चैनल को दिया, वज़ीर आज़म ने इस वाक़े पर बराह रास्त अपने ख्यालात का इजहार किया और तहफ़ की यकीन दहानी कराई। लेकिन जितने ये मुतासरीन हैं, ये धरने में मौजूद हज़ारा बरादरी है, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म को कोयटा पहुँचना होगा, उनके धरने में पहुँचना होगा, उसके बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे या तदफीन करेंगे। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने धरने के शुरका से मुलाकात करके धरना ख़त्म करने, मैयतों की तदफीन पर कायल करने की नाकाम कोशिश की थी। इससे पहले ये नाकाम कोशिश वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मैरीटाइम अफेयर अली जैदी, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी, डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी सब कर चुके हैं, मगर लवाहिकीन मैयतों की तदफीन के लिए राज़ी नहीं है और इत्तेदादी धरना ख़त्म करने और मैयतों की तदफीन को वज़ीर आज़म की कोयटा आमद से मशरूत रखते हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं, कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सईद, ये बताइएगा कि
ये जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें पिछले जब से ये 4-5 रोज़ से ये बैठे हुए हैं, क्या होता है ये सारे वक्त इतने ही लोग, ख्वातीन बच्चे मौजूद रहते हैं या इनमें आते जाते रहते हैं, इनके खाने पीने का, इनकी दूसरी ज़रूरियात का वो कैसे इंतज़ाम होता है? बहरहाल ये एक शाहराह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल कामरान साहब, इस वक्त भी ये धरना जारी है और लोगों की एक बड़ी तादाद अब भी यहाँ पर मौजूद है। सर्द हवाएं चल रही हैं, मनफी टेम्परेचर है इस वक्त, तकरीबन -8 हो चुका है और इस वक्त शदीद सर्द हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन धरने के जो शुरका है जिसमें ख्वातीन, बच्चे और मर्द भी शामिल है, वो बड़ी तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं, धरने में मौजूद हैं। जहाँ तक इनके खाने पीने के लिए यहाँ पर जो ऑर्गनाइजिंग कमेटी है उनकी तरफ से या हज़ारा टाउन के जो रिहायशी हैं वो अपने घरों से चीज़ें बना के ला रहे हैं, चाय लाते हैं, को खाने पीने की अशिया लाते हैं ताकि लोगों को इस सर्दी से बचाया भी जा सके और उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी किया जा सके। मेडिकल कैंप यहाँ पे कायम किया गया है ताकि कोई मरीज़ हो यहाँ पर तो उसके लिए भी फौरी तौर पर मेडिसिन उसको प्रोवाइड की जा सके। जहाँ तक ये आज 5वां रोज़ है धरने का, तो इसमें लोगों का जो अज़म है वो बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और पहले दिन की निस्बत से आज जो PDM की जो क़्यादत आई उस वक्त भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मगरबी बाईपास पे आन पहुंची थी। इस वक्त भी जो जो PDM की क्यादत जब वापस गई तो उसके बाद भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि साथ ही इसके इस धरने के करीब ही हज़ारा टाउन वाकया है जहाँ से लोग अपने घरों से गर्म कपड़े या गर्म अशिया या खाने पीने की अशिया लेकर। धरने वाले कहते हैं कि वो उस वक्त तक नहीं उठेंगे, तदफीन नहीं करेंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, जो आपको यहाँ के सूबाई हुकाम हैं, जो दूसरे जो यहाँ के बाखबर लोग हैं वो क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे और अब तक क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमें बताया गया है कि उनको ये कहा गया है कि सिक्योरिटी के शदीद कंसर्न है और ज़ाहिर है कि यहाँ पे मुसलसल टेरर अटैक्स होते रहते हैं, तो यकीनन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। सूबाई हुकाम आपको क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कमर साहब, इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की सदारत में एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ जिसमें एक सानह मच के तमाम मुहरिकात का जायज़ा लिया गया। उसमें जो आज जो पेशरफ्त की गई है उसमें तो ये कहा गया कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, जो इंतज़ामी अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी तहकीक़ात का कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का ऐलान किया गया है, एक तमाम इदारों पर मुश्तमिल एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी और तश्कील देने का फैसला हुआ है। इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत के जो अहदेदारान हैं उनसे हमारी बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे या नहीं, तो इसके बारे में उनके पास भी अब तक कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। ताहम जो दीगर ज़राए वो हमें बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का वाकई यहाँ पे इश्यूज थे जिसकी वजह से वो अब तक उनको क्लियरेंस नहीं दी गई प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन उसके बारे में अनाउंस नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये तय है इरफान सईद, जो ये शुरका हैं, जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, कि एक बार प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो बात करें, उसके बाद ये धरना ख़त्म हो जाएगा? मतलब बहरहाल उनका कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस उनको चाहिए। बिल्कुल कामरान साहब, हमारी आज भी दोपहर के वक्त भी जब इनके जो कायदीन यहाँ पे मौजूद थे, कुछ खबरें सोशल मीडिया पर भी आई थी कि धरना कुछ देर बाद ख़त्म कर दिया जाएगा, कुछ खबरें मीडिया पर भी चली थी, जिसके बाद हमने इनके जो यहाँ पे अकाबरीन है उनसे बात की और उनसे पूछा कि आया वाकई कोई ऐसे को हुकूमत की तरफ से कोई रबता हुआ है उनके साथ या वो धरना ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे हमारा धरना जारी रहेगा। हमारा एक बड़ा मुतालबा यही है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद यहाँ पर आएँ और उनके सामने हम अपनी फरियाद पेश करेंगे, उसके बाद हम अपना धरना खत्म करेंगे। उनका मुतालबा बस यही है कि वज़ीर आज़म यहां पर आएं और उनकी दाद रसी करें। इरफान, ये इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की क्या पोजीशन है? क्योंकि जाहिर है कि ये खुद एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये इज्तिमा है हजारा बरादरी का, इतना बड़ा, लोग आ रहे जा रहे हैं, ये खुद इटसेल्फ एक बड़ा थ्रेट है ना? बिल्कुल कामरान साहब, जब से ये धरना शुरू हुआ है और उसके बाद जू जू ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी यहाँ पे सख्त किए जा रहे हैं। ये मगरबी बाईपास जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये रूट जाता है क्वेटा से चमन तक, जहाँ से ये हमारी ट्रेड भी होती है, ये पूरा रूट बंद किया हुआ है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के साथ साथ FC की बड़ी तादाद यहाँ पर आस पास यहाँ पर तैनात की गई, इसके अलावा पुलिस की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी मौजूद है और धरने के दोनों तरफ जो पहाड़ी एरिया है अभी सिक्योरिटी इंतजाम जाने पे कोशिश की।
फराम किया जाए और कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया को दूसरा पेश ना आए, इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सईद, हमारे साथ क्वेटा से मौजूद थे। यकीन अंधोनाक सानहा है, इस पर एहतजाज है, हज़ारा बरदरी को निशाना बनाया जाता है, हज़ारा बरदरी के लोग क्वेटा में एहतजाजी धरना दे के बैठे हैं, मगर इसका एक और फॉल आउट है ख़ास तौर पर कराची में, क्योंकि यहाँ पर एक दर्जन से जायद मकाम पे छोटे छोटे धरने हुए हैं और वो धरने दिए हैं हज़ारा बरदरी से हमदर्दी रखने वाले लोगों ने, और उसमें भी उसकी वजह से शहर में बेपनाह ट्रैफिक जैम हो रहा है, लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। लाखों कराची वाले जिनका इस पूरे वाक़े से ना कुछ ताल्लुक़ है ना उनको कोई कसूर है, मगर सबसे ज़्यादा सज़ा उनको मिल रही है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो सह रहे हैं, इसका जायज़ा भी आपके सामने रखेंगे एक छोटे से वाक़े के बाद। सानहा मर्च के हवाले से मुल्क के कई शहरों में धरने हो रहे हैं, मगर ये ज़्यादातर अलामती धरने हैं और इसने सिविक लाइफ को या आम ट्रैफिक को बुरी तरह से मुतासर नहीं किया है, जो कैफियत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में देखने में आई है, जहां पर बहुत ही मुश्किल कैफियत पैदा हो चुकी है। ये धरने परसों रात चंद इलाकों में शुरू हुए थे जो अब 20 के करीब मकामात पर फैल चुके हैं। शहर के कोई 20 के करीब अहम शाहराएं ऐसी हैं जिनको के बंद कर दिया गया है, कई सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जगह जगह ट्रैफिक जैम है, पूरे शहर का ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और लाखों शहरी जिनका इस वाक़े से ना कोई ताल्लुक़ है ना उनका कोई कसूर है ना ही उनको इसके बारे में पूरी मालूमात है, वो इस कैफियत में शदीद मुश्किल में है और शदीद तकलीफ़ में है। शहर के अहम तरीन शाहरा फैसल पर भी दो जगह मुजाहिरीन का धरना है। इसके अलावा शहर में नुमाइश चौरंगी जो कि एमजना रोड पर है वहाँ पर धरने का है, पावर हाउस चौरंगी में धरना है, नॉर्थ नाजवाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मनीर, नेशनल हाईवे, दीगर इलाकों में एहतजाजी धरने हैं और इससे सनअतें भी मुतासर हो रही है, मगर सबसे ज़्यादा आम शहरी मुतासर हो रहा है और सिर्फ मुतासर नहीं हो रहा बल्कि इंतहाई तकलीफ़ की सूरत हाल में है, मरीज़ों के लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो रहा है, एम्बुलेंसेज इन धरनों में की वजह से जो ट्रैफिक जैम हो रहा है उस पर फंसी हुई नज़र आती हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स को इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि मज़लूमीन के लिए एक लाखों की तादाद में लोग जो है वो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल के से दो चार हैं और एक बार फिर हम कहेंगे कि ये मासूम लोग हैं, इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आज मुजाहिरीन ने एमजना रोड से किवाड़ी जाने वाली सड़क भी बंद कर दी, लोगों को आमदरफ्त में एक बहुत ही तकलीफ़ की सूरत हाल रही, लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, एम्बुलेंसेज मैंने आपको बताया अस्पताल में नहीं पहुँच रही और जीने मरने की कैफियत है। न जाने कराची वालों को किस मामले में इस बात का कसूरवार ठहराया गया है और वो उनको किस मामले की सज़ा मिल रही है। पूरे शहर का हमने जायज़ा लिया आज इस पूरी कैफियत में और जहाँ पे शहरियों की बड़ी कसीर तादाद लाखों की तादाद में फंसी हुई नज़र आई। एक जानिब आपको नज़र आएगा कि धरने की वजह से मसरूफ़ और बड़ी बड़ी शाहराएं बंद हैं और फिर लोग गलियों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैफिक का अज्तहाम है। गाड़ी में अपने यहाँ मिलेनियम के बाद रात को 5 घंटे रुके हुए, मुझे गुरु मंदिर जाना था और मैं यहाँ अभी तक देखे 1 घंटा हो गया, 3 दिन से बीवी की दवाई नहीं ले सका था तो आज बड़ी मुश्किल से निकल कर गया हूँ। ये तरीका नहीं है कि आप आम पब्लिक को पूरी शहर को बंद करके बैठ जाओ। सुबह 11 बजे से निकले हुए और घर नहीं पहुँच पा रहे। एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट है हमारे 7 बजे, वहाँ पे भी एयरपोर्ट रोड भी बंद था, 20 रोड से जा रही है, ये भी जाम है। कल भी हम लोग 3 घंटे में पहुंचे और आज भी हम 5:15 बजे से निकले हुए हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से निकले हुए हम लोग। सिर्फ चंद अफराद है जिनकी वजह से पूरा शहर डिस्टर्ब हुआ हुआ है। आज हमारी फ्लाइट थी 6 बजे से, हम 5:30 बजे से इधर फंसे हुए हैं। मेरी फैमिली अभी आई है, एयरपोर्ट पे खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, अकेले लेडीज हैं, अकेले उनके साथ कोई भी नहीं है। कराची के आवाम 3 रोज़ से इस कैफियत से दुचार हैं, आज भी शदीद ट्रैफिक जैम की वजह से हज़ारों शहरी दफातर नहीं पहुँच सके, एयरपोर्ट पहुँचने वालों को बहुत ही शदीद मुश्किलात का सामना है, कई फ़्लाइट्स डिले हो गई हैं, परवाज़ें मुसलसल ताख़ीर के शिकार हो रही है, मनसूख हो रही है, मगर इस पूरी कैफियत में सबसे अहम बात यह है कि सिंध हुकूमत
हाथ झाड़े हुए किनारे पर खड़ी नजर आती है। ऐसा लगता है कि उसका इस वाक़े से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सूरत में भी किसी भी ने भी इस धरने के मुतासरीन से बात नहीं की, ना उनको समझाने की कोशिश की, ना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की, ना ही इस धरने के असरात को ज़ाइल करने की या कम करने की कोई कोशिश की। कराची की सूरत हाल के मुख्तलिफ इलाकों में क्या है, ये हम आपको सुनाते हैं। हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद। ये बताइएगा कि ये तमाम जगहों पे जो कि पिछले दो तीन दिन से धरना हुआ है, कहीं पे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है मुजाहिरीन ने। बड़ी बड़ी शाहराहें मुसलसल बंद हैं और लोग निकल कर आते हैं, और फिर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल कामरान साहब, 20 मुकामात हैं तकरीबन जहां पर यह धरने जारी हैं। नुमाइश चुरंगी जो है इसका मरकजी मुकाम है। अगर हम इस तमाम ट्रैफिक को मुख्तलिफ जोन में अगर हम तकसीम करें तो चार किस्म का ट्रैफिक है जो शहर से निकलता है और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाता है। शाहरा फैसल से जो ट्रैफिक वो जाता है मलीर जो है, इसके अलावा कायदाबाद गुलशन अदीद और दीगर जो इसके नवाही इलाके हैं उस तरफ जाता है। इसी तरह जो जेल चुरंगी है इससे जो है लियाकताबाद नाजमाबाद गुलशन इकबाल स्कीम 33 की तरफ जो है ट्रैफिक मूव होता है, और लियारी एक्सप्रेसवे जो है एक अलग जरिया है जिससे जो ट्रैफिक मुख्तलिफ इंटरचेंज से जो है नीचे उतरता है। इन तमाम मकामात पर धरने हैं जिसमें जो है नुमाइश चुरंगी है। शाहरा फैसल पर जो है फलकनास के करीब नाता खान ब्रिज उतरते ही जो है धरना है। अब जो है कुछ ही देर पहले केमाड़ी पर जो है धरना शुरू हुआ है जिससे जो लोगों के पास एक ऑप्शन था लियारी एक्सप्रेस से जाने का वो भी जो है ख़त्म हो गया। नाजमाबाद नंबर 1, नाजमाबाद नंबर 9, सुरजानी, आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद और जो है अंचोली के करीब ये धरने जारी हैं। अच्छा। लोग जो है सख्त अजियत का शिकार नजर आए। बताइएगा कि हमें ये बताया गया है कि बाद जगहों पर जहाँ पर इतनी शदीद ये लोगों की तकलीफ है, धरना जो होता है वहाँ पे बहुत ही मुख्तसर तादाद में चंद खवातीन, चंद कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे चंद हजरात जो हैं वो बैठे हुए हैं और कुछ मोटरसाइकिल या दो चार गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, मगर पूरी जो बड़ी बड़ी शाहराहें हैं पुलिस ने उनको बंद कर दिया है और कोई कोशिश नहीं की गई है कि मुतासरीन और जो मुजाहिरीन हैं उनको किसी हद तक कोशिश ही की जाए कि कन्विंस किया जाए कि एक रास्ता दे दें कि कुछ ट्रैफिक निकल सके, कहीं ऐसी कोशिश पुलिस ने नहीं की? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बाज़ जगह पर ये 20 मुकामात अगर धरने के तो उसमें एक से दो मुकामात को छोड़कर जो हाजरीन की तादाद है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं और धरने में बैठे हुए हैं उनकी तादाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 और 30 भी है, और यहाँ पर जो है कोई किसी किस्म की रहनुमाई जो है नज़र नहीं आई। बहुत सारी जगहों पर हमने ये मनाजिर देखे कि ट्रैफिक जो है बंद किया गया, दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक जो रवा दवा था वो भी जो है तातुर का शिकार हुआ। उसमें एम्बुलेंसेस थी, उसमें खवातीन थी, उसमें ऐसे लोग थे जो दफातर से वापस आ रहे थे, बुज़ुर्ग अफराद थे, लेकिन कोई किसी को जो है रिलीफ देता नज़र नहीं आया। इसमें जो है ट्रैफिक पुलिस भी जो है बेबस नज़र आई, ट्रैफिक पुलिस जो है रास्तों को बंद करते नज़र आई, जो इलाका पुलिस है वो भी जो है यहाँ पर बेबस नज़र आई शहरियों की रहनुमाई के लिए, मुतबादिल रास्ता बताने के लिए। ऐसा हुआ कि कल और आज सूबाई लीडरशिप या ये के वज़रा या हुकूमत सिंध के बड़े पहुँचे हो मुजाहिरीन को, कोई कोशिश की हो उनको कायल करने की, कोई ऐसा इंटरेक्शन किया उनके साथ, वो भी कहीं कैफियत कोई नज़र नहीं आई? जी बिल्कुल, इसमें जो है कोई इंतज़ामिया का फ़र्द किसी भी किस्म का, वो जो है डिप्टी कमिश्नर हो, शहरी हुकूमत की जानिब से हो, या सूबाई हुकूमत का कोई रहनुमा हो, या कोई मजहबी रहनुमा हो, हमें किसी धरने में नज़र नहीं आया। उन्होंने किसी धरने के शुरका से किसी ने बातचीत की कोशिश नहीं की, ये इसका जो है सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू है। ये धरने के लोग बैठे हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पर नज़र नहीं आया जिसने इन्हें कायल करने की कोशिश की हो, या इनको अपना एहतजाज जो है वो नरम करने की कोशिश की हो कि एक ट्रैक बंद कर दें और एक ट्रैक खोल दें। हमने माजी में भी देखा है कि इंतज़ामिया जो है आती है, जो है गुफ्तगू होती है, उसके दौरान मुज़ाकरात में इंतज़ामिया कई एहतजाजों में ऐसा होता नज़र आया कि अच्छा, एक ट्रैक पर बैठकर अपना एहतजाज जारी रखने का कहते हैं। जो बड़ा नुकसान होता है वो ये हो रहा है, वो ये कि नेशनल हाईवे क्योंकि बंद है तो फ्लाइट्स जो एयरपोर्ट है उसके ऑपरेशंस बड़े कलीदी ऑपरेशंस होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हैं। फिर आगे जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल एरिया है, दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो
ज़ाहिर है कि सैकड़ों हज़ारों सनतें वहाँ पर काम करती हैं, वहाँ पर भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है काम। जी बिल्कुल, फ़्लाइट्स की आपने बात की, तकरीबन 22 जो है फ़्लाइट्स हैं जो मनसूख हुई हैं, जिसमें 10 जो है कौमी एयरलाइन की फ़्लाइट शामिल हैं। अबू धाबी, दुबई, तुर्की की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट शामिल थी, जिन्हें जो है मनसूख कर दिया गया, मुसाफिर जो है पहुंच नहीं सके। एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता जो है मेन शहरा फैसल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो बंद है। फलकनाज से कुछ आगे इस पर धरना है और उस पर कंटेनर भी खड़े किए हैं और मुजाहिदीन ने आग भी लगा रखी है, जिसकी वजह से गाड़ियों का जाना मुमकिन ही नहीं है। एयरपोर्ट जाने के लिए जो दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो गुलिस्तान जौहर से इस्तेमाल किया जाता है। पहलवान गोट के करीब से एयरपोर्ट का जो अकबी रास्ता जो ओल्ड एयरपोर्ट का, उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये रास्ता भी 2 मुकाम से बंद है। इसे जो जौहर मोड़ से बंद किया गया है, उसके बाद जो है अगर उस तरफ से हम स्कीम 33 से आने वालों का बताएं तो वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते। अबुल्ला सुफानी रोड से नहीं आ सकते, अबुल्ला सुफानी रोड भी बंद है, जबकि जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है वो भी 2 मुकाम से बंद है। एयरपोर्ट जो है कराची के किसी हिस्से से मासवाए जो शेरपाव कॉलोनी है, जो कायदाबाद का इलाका है या गुलशन अदीद है, मासवाए उस तरफ से जो बाकी जो शहर का रास्ता है वो एयरपोर्ट से तकरीबन मुनकता है और एयरपोर्ट पे मुसाफिरों की बड़ी तादाद नहीं पहुंची, जिसके बायस जो ये 22 के करीब फ़्लाइट्स हैं जिन्हें मनसूख कर दिया गया। तमाम जो शोबा ज़िंदगी के लोग हैं वो सख्त मुतासर हुए हैं। दफातर से जो जाने वाले अफराद हैं उन्होंने जो मिनटों का जो सफ़र है वो कई घंटों में भी वो तय ना कर सके। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ पहलू हैं इस तकलीफ़ के और सबसे बड़ा इसका असर कराची में हो रहा है। इसका बुनियादी सबसे इसके जो सबसे इन इस मुजाहरे के धरने के जो सबसे बड़े मुतासरीन हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ कि मजलूमीन भी हैं, वो बीमार लोग हैं जो एम्बुलेंसेज में अस्पतालों की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन धरनों की वजह से वो शदीद ट्रैफिक के इज्तिहाम में फंस जाते हैं। एम्बुलेंसेज की मूवमेंट बुरी तरह से मुतासर हो रही है। फिर हज़ारों लाखों शहरी अपने घरों से निकल नहीं सकते, उनकी आमदरफ़ जो है वो बहुत ही बुरी तरह से मजदूद हो गई है और ये तमाम लोग वो हैं, चाहे बीमार हों, चाहे ज़ख्मी हों, चाहे आम शहरी हों, जिनका कि इस क्वेटा के सानहे से और जो मच्छ का सानिया है और जो वहाँ पर एक बहुत ही अलमनाक तरीन एक और हादसा हुआ हज़ारा बरदरी का, उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस वक्त उनकी इसकी बड़ी सज़ा इन आम शहरीों को, इन मासूम कराची वालों को मिल रही है और इस पर गुंजाइश पैदा हो सकती है अगर जहाँ जहाँ धरना दिया गया है कि वहाँ पे कोई एक दो ट्रैक ही खोल दिए जाए जिससे लोग आ जा सकें। मगर सबसे और ये भी एक बड़ी तकलीफ़ की बात है कि हुकूमत सिंध इस मामले में कम्प्लीट लातल्लुक़ है, उसने कोई कोशिश नहीं की कि मुतासरीन मुजाहरीन से बात कर सके, कुछ उनको कन्विंस कर सके कि कोई रास्ता दिया जा सके, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। किसी को रत्ती बराबर परवाह नहीं है, ना शहरी हुकूमत को, ना ज़िले हुकूमत को, ना डेप्टी कमिश्नर्स को, ना पुलिस की हायरार्की को, किसी को उसकी परवाह नहीं है और इस वजह से शहर जो है, शहर कराची जो है, वो एक बार फिर मुसीबत में फंसा हुआ है। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाद साथ वापस आते हैं। मोतबर न्यूज़ शो दुनिया कामरान खान के साथ। कल पूरी दुनिया ने अजब मंजर देखा, बराहे रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा और मंजर भी क्या था कि अमेरिका में इंतकाल इख्तदार से कबल जमहूरियत का बुत पाश पाश हो रहा है। आज़ादी इजहार के फलसफे की अलामत, व्हाइट हाउस पर बदनुमा दाग लग गया। कल वाशिंगटन DC में अमरीकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने धावा बोला, पूरी दुनिया हैरान परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। मुश्तइल मुजाहिरीन ट्रंप की हिमायत और बाइडेन की मुखालफत में आपे से बाहर होते नज़र आए और ऐसे मंजर देखने में आए जो इससे पहले इस पूरे इलाके में, इस पूरे माहौल में और इस पूरी जमहूरियत की, दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत में देखने में नहीं आए होंगे। एहतजाज दंगे और फसाद में बदल गए और मुजाहिरीन सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट की इमारतों में ज़बरदस्ती घुस गए, तोड़ फोड़ की गई, डंडे चले। अराकीन कांग्रेस ने बेंचों के नीचे छुपकर अपनी जानें बचाईं। ये अमरीकी कांग्रेस में यानी कि अमरीका के पार्लियामेंट में ये मनाजिर थे जो मुसलसल जारी थे। काफ़ी देर ये तूफान बदतमीजी जारी रहा, फिर नेशनल गार्ड्स के इजाफी दस्ते तलब किए गए, वो कांग्रेस में दाखिल हुए। यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस की शेलिंग शुरू हुई। यकीनन आप सोच सकते हैं कि वो क्या मंजर होगा जब कांग्रेस में ये सब कुछ हो रहा होगा।
चार घंटे ये धींगा मचती रही और उसके बाद इमारतों को क्लियर कराया जा सका। हंगामा लड़ाई के दौरान इसी कांग्रेस में गोली चलने से खातून इंतकाल कर गई। इस अतराफ की सड़कें बंद हो गई और इस दौरान मरीज हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सके और तीन मरीज तश्वीशनाक हालत में रास्ते में दम तोड़ गए। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कर्फ्यू लगाना पड़ा। माहौल था ये वो मनाजिर थे जिन्हें अमरीका के चोटी के अखबारात ने, इदारिया नवीसों ने, कॉलम नवीसों ने और कांग्रेस के मेम्बरान ने बगावत से ताबीर किया। उन्होंने कहा यह बगावत से कम नहीं थी और इसका एक और बहुत ही अलमनाक पहलू यह है जो कि यकीनन सबसे ज़्यादा इसमें परेशान कुल पहलू था आज अमरीकी कौम के लिए, वो ये कि दरअसल खुद सदर ट्रंप ने अपने हामियों को कैपिटल हिल पर धावा बोलने के लिए उकसाया था। दो हफ्ते पहले ट्रंप ने ट्वीट की थी कि 6 जनवरी को वाशिंगटन में बहुत बड़ा एहतजाज करें, ज़रूर आइएगा, धूम मचाएंगे। कॉल खुद सदर ट्रंप ने दी थी, अपने हामियों को वाशिंगटन में जमा होने के लिए कहा था और कल सुबह जब ये लोग जमा हो गए, सदर ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर निकले, अमेरिका बचाओ रैली से खिताब करने के लिए खुद पहुंचे, अपने हामियों पर जोर दिया कि बहुत सह लिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं। और फिर ये तमाम इज्तमा, ये तमाम लोग, ये मुश्तइल हुजूम रिपब्लिकन कैपिटल हिल का रुख करेंगे और ये ऐसा ही हुआ, ये हुजूम कैपिटल हिल की जानेब यानी कि अमरीकी कांग्रेस की जानेब पार्लियामेंट की जानेब रवा दबा हो गया और उस पर यलगार कर दी और इसके लिए उकसाया खुद अमरीका के सदर ट्रंप ने। ये पूरा माहौल जो कल शब देखा गया हमारे पाकिस्तान में, अमरीका में सुबह का वक्त था, दोपहर का वक्त था और ये वो मंजर थे जो सूरत हाल देखने में आई, इसके लिए तहरीक चलाई थी सदर ट्रंप ने खुद। और ये पिछले 1.5 महीने से सदर ट्रंप यानी कि 3 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन के बाद से सदर ट्रंप एहतजाजी नतीज को मुसलसल फ्रॉड कहते थे, अपने हामियों को मुखातिब कहते थे कि वो इस शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे, वो भी अपनी शिकस्त को तस्लीम ना करें और इसके लिए बाकायदा तहरीक इलेक्शन के रोज़ से सदर ट्रंप चला रहे थे, हर बार इलेक्शन के नतीज को फ्रॉड, गलत और रिक करार देते थे। और तन्हा नहीं थे नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस हमले को अमरीकी तारीख के स्याह तरीन दिन से तशबीह की। न सिर्फ ये कि सदर जो बाइडन प्रेजिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने बल्कि कसीर तादाद में इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन बिजनेस लीडर्स, अखबार नवीस, कॉलम नवीस इसको अपनी तारीख का स्याह तरीन दिन में से एक दिन करार दे रहे थे। ट्रंप की हामियों की इस चढ़ाई को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने भी बगावत करार दिया। जो बाइडन ने कहा कि हमारी जमहूरियत आज़ादी और अवामी नुमाइंदों पर हमला है, ये इख्तलाफ राय नहीं बल्कि इंतशार है। और सिर्फ ये कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन बल्कि खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कलीदी लोग इसको बगावत से करार दे रहे थे, इसे अपनी तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे रहे थे। इसी सूरत हाल पर रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सदर अमरीका जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि कैपिटल हिल के मनाजिर को देख कर मुझे नाकाबले बयान अफसोस हुआ है। साबिक सदर बिल क्लिंटन का कहना था कि वाशिंगटन में मुजाहरे को ट्रंप की जहरीली सियासत ने हवा दी। साबिक सदर ओबामा ने ट्रंप को तशद्दुद का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि यह अमेरिका के लिए बेइज्जती का मकाम है। काबिल जिक्र बात यह है कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कलीदी अराकीन ने भी इस सूरत हाल को अमरीकी जमहूरियत पर बदनुमा दाग करार दिया। उनके इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और मिट रोमनी ने और उनके समेत कई और रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस ने भी इन तशद्दुद मुजाहरों पर अमरीकी कांग्रेस पर इस यलगार पर अपने शदीद सदमे का अफसोस का इजहार किया और सदर ट्रंप से लातालुकी का फैसला भी किया और उसका ऐलान भी किया। इस वाक़े की संगीनी का मजीद आपको एहसास हुआ होगा जब ये सदर ट्रंप के कलीदी इत्तेहादी इस बारे में अपने तबसरे कर रहे थे। इस पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू के लिए आंखों देखे हाल के लिए जाएंगे वाशिंगटन, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक सहाफ़ी मोहतरमा सारा जमान। बहुत बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड और जो भी इसके लिए एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मंजर शायद कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, मगर फिर भी ख्याल ये है कि ये गैर मुतवक्के नहीं है। जो सूरत हाल पक रही थी, जिसको खुद सदर ट्रंप पका रहे थे और फिर जिस तरह से इसका बिल्डअप था, फिर उन्होंने जैसे तकरीर की,
उस लिहाज से मैं जानना चाहूँगा कि जब ये लग रहा था कि इस किस्म का ये हुजूम है और कुछ भी हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए, उसकी पेशबंदी के लिए तैयारी क्यों नहीं थी? जी बहुत अच्छा सवाल है और इस वक्त बाज मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जो हैं वो इसी हवाले से तहकीकात का मुतालबा भी कर रहे हैं कि क्यों पहले से ही ऐसे इकदामात नहीं किए गए कि लोग दरवाजे खिड़कियां तोड़ के अंदर आने से उनको रोका जा सके। और फिर जब हमने अंदर के मनाजिर देखे तो उन पे भी कई मकामात पे आप ये देख सकते हैं फुटेज में ही कि मुजाहिरीन बहुत ज्यादा है, मुश्तरक हुजूम बहुत ज्यादा है और जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं उनकी तादाद कम है, वो उनसे उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। तो अगरचे इस मुजाहरे से जो मुजाहरे जो मुख्तलिफ ही पूरा दिन हो रहे थे उनके मुजाहरीन के आने से पहले ही वाशिंगटन डीसी की मेयर ने जो सिटी की पुलिस थी उसको तो अलर्ट पर रखा ही हुआ था, साथ में नेशनल गार्ड को भी तलब किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि नेशनल गार्ड के जो अहलकार हैं वो भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हों। तो ये तो सवाल जहाँ पे बिल्कुल हो रहा है और जिस वक्त ये हंगामा आ रहा है होना शुरू हुई उसी वक्त जो कैपिटल पुलिस है, और ये भी यहाँ पे बताना जरूरी है कि जो कैपिटल हिल का एरिया है उसकी सिक्योरिटी को कैपिटल पुलिस जो है वो ओवरसी करती है जो कि वाशिंगटन डीसी की पुलिस से एक अलग महकमा है, वो एक फेडरल महकमा है। वाशिंगटन डीसी की पुलिस जो है वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर है। तो वाशिंगटन में मुख्तलिफ जो फेडरल एजेंसीज और जो लोकल पुलिस है वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करती हैं और इसीलिए अब ये बताइएगा कि ये एक पक्का सोचा समझा मंसूबा बज़ाहिर और साफ लग रहा है। एक जानब लोगों को कहा गया कि आज, और ये इंपॉर्टेंट दिन हम अपने नाज़रीन को बताएं कि आज मेहर तस्दीक सब होनी थी कांग्रेस की 3 नवंबर के इलेक्शन में कि सदर जो बाइडेन इलेक्शन हो गए और ऑफिशियल रिजल्ट्स जो हैं उनको जो है वो सर्टिफिकेशन होनी थी। तो ये प्रोसेस था जिसके लिए कांग्रेस का इजलास जारी था और सदर ट्रंप ने इसी दिन का इंतखाब किया था, लोगों को बुलाया, उनको इश्तियाल दिलाया, बजायते खुद वहाँ गए। इसके अलावा ये बाहर का मंजर उन्होंने बनाया, अंदर के लिए उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है और इसको लीड वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस कर रहे हैं वो इस प्रोसेस को भी आगे ना बढ़ने दें। गोया कि उनकी पूरी मंसूबाबंदी ये थी कि बाहर से ही अलगार हो और अंदर से उनके नायब सदर जो हैं वो इस प्रोसेस को ना होने दें। ये तो तबाही हो जाती पूरी अगर ये अगर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस इसको नहीं चलने देते। तो देखिए हमने पिछले 2 महीनों में जब से इलेक्शन हुए ये तो देखा कि वाशिंगटन डीसी में कई मर्तबा मुजाहरे हुए, खासतौर पे एक जो बहुत बड़ी रैली हुई उसमें हजारों लोग थे और वो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट से लेके तो कैपिटल हिल तक वो गए, लेकिन उस मर्तबा ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। इस मर्तबा चूंकि कांग्रेस के अंदर कार्रवाई हो रही थी और कार्रवाई का मकसद ही ये था कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट पे मोहर लगाई जाए और नतीजे की तस्दीक की जाए, तो लोगों का ख्याल ये था कि इस ये एक फाइनल स्टेप है, अब इसको रोकना है और इसी वजह से वाशिंगटन डीसी में लोग जो थे वो जमा थे। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि एक सेरेमोनियल एक्ट है, इसको कानून इसको आइन के रूप से नहीं रोका जा सकता, इसको माइक पेंस खुद भी नहीं रोक सकते थे और उन्होंने इसीलिए इस कार्रवाई से पहले भी एक लेटर इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो लोगों की तरफ से ये एक आखिरी कह लीजिए कि हरबा था। अब क्या करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं सारा? इस वक्त ये एक तवील रात थी, कल का तवील दिन था, उसके बाद आज इस वक्त क्या कैफियत है कैपिटल की और फिर वाशिंगटन डीसी की? जी इस वक्त यह है कि कर्फ्यू तो हटा लिया गया है लेकिन अगले 15 दिनों तक इमरजेंसी फिर भी वाशिंगटन डीसी में नाफिज है, जिसका बुनियादी तौर पे मतलब यह है कि मेयर जब भी चाहें अगर वो जरूरत महसूस करती हैं तो वो कर्फ्यू भी नाफिज कर सकती हैं और सिक्योरिटी के लिए दीगर इकदामात भी उठा सकती हैं। कैपिटल के इर्द गिर्द काफी सिक्योरिटी अब भी है और इमारत को जो नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लेने की भी कोशिश की जा रही है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा ये आवाजें भी उठ रही हैं कि तहकीकात की जाए कि कैसे मुजाहरीन अंदर आ गए, सिक्योरिटी में कहाँ ब्रीच हुआ, कहाँ लैप्स था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सारा जमा हमें आंखों देखा हाल कल से लेकर अब तक का बता रही थी। वाशिंगटन डीसी से कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इस पूरे अमल का अमेरिका पे क्या असर हुआ, इसका पस मंजर क्या है और इसका पेश मंजर क्या है, आगे क्या होने वाला है, पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई, अमेरिका का नाम जिस अंदाज से इस वाक़े के बाद बदनाम हुआ है उसकी नज़ीर नहीं मिलती और जमहूरियत का नाम भी बदनाम हुआ है और अजब माहौल है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कल होने वाले वाक़ात को भजा तौर पे अमेरिका में उसका मीडिया भी, उसके लीडरशिप भी, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी इसको अपनी तारीख के तारीख तरीन वाक़ात में से एक वाक़ बता रहे हैं।
कोई कहता है कि ऐसा लगता था कि अमेरिका एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है, कोई कहता था कि अमेरिका में जो जमहूरियत है जमहूरियत का मजाक उड़ चुका है और अब अमेरिका दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और ये तमाम चीज़ें मुसलसल अमेरिकी टेलीविज़न पे और मीडिया में मुसलसल इसी अंदाज से आ रही थी। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन लोगों ने इस वाक़े में इस अलमनाक वाक़े में हिस्सा लिया वो दो चार लोग नहीं, दो चार दर्जन लोग नहीं, दो चार सौ लोग नहीं, बल्कि हज़ारों की तादाद में ये लोग थे जिन जो उस यलगार में शामिल था, उस धावे में शामिल थे जो कि कैपिटल पे किया गया, यानी कि अमरीकी पार्लियामेंट पे यानी कांग्रेस पे किया गया। न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाने वाली अनगिनत वीडियोज़ में इन मुजाहिरीन को इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दंदराते दिखाया जा रहा था और मुख्तलिफ जगहों पर तोड़ फोड़ हो रही थी। कहीं तशद्दुद हो रहा था, दफातर में फर्नीचर को तोड़ा जा रहा था, कहीं शीशे खिड़कियाँ तोड़ी जा रही थी और फिर कैपिटल हिल के अंदरूनी मनाजिर में अजीब व गरीब हुलिए वाले मुजाहिरीन को भी देखा जा सकता था। अजब माहौल था, बलवाइयों ने शिकारियों और जंगलियों जैसा रूप धारा हुआ था। कुछ मुजाहिरीन ने खुद को महफूज रखने के लिए बॉडी आर्म थे, कुछ ने मास्क लगाए हुए थे, देखने से ताल्लुक रखते थे ये मनाजिर। रही के पेश नज़र आज फेसबुक और यूट्यूब ने इंतखाबात में कामयाबी के दावे पर मबनी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तमाम वीडियो हटा दी, जबकि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ने सदर ट्रंप के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अमेरिका में मौजूद सोशल मीडिया जॉइंट्स ने सदर अमेरिका के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प और नाकाबिल यकीन वाकया है। ट्विटर ने सदर ट्रंप की जानिब से मुतनाज़ ट्वीट डिलीट होने पर उनका अकाउंट बहाल किया। अमेरिका में एक्जॉन मोबिल, फाइजर और टोयोटा समेत 14,000 कंपनीज की नुमाइंदगी करने वाली अमेरिकी बिजनेसमैन ग्रुप ने कैपिटल हिल वाकई की हिमायत करने पर अमेरिकी हुकाम से ट्रंप को फौरी वाइट हाउस से निकालने का मुतालबा किया। और ये मुतालबा सिर्फ कारोबारी अंजुमनों या कारोबारी लीडरशिप की जानिब से नज़र नहीं आ रहा, खुद सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि इम्पीच करना चाहिए, सदर ट्रंप को निकाल बाहर कर देना चाहिए। ये बात वाशिंगटन पोस्ट ने अपने इदारे में भी कही, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट कह रहे हैं, CNN के तजियाकार कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को हक नहीं पहुंचता क्या वो एक रोज़ भी सदर अमेरिका की हैसियत से वो खिदमात सर अंजाम दें। इंटरनेशनल मीडिया ने कानून साज इदारों को यरगवार बनाने को अमरीकी जमहूरियत के माथे पर कलंक का टीका करार दिया। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने सदर ट्रंप को बगावत का जिम्मेदार करार दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि वाशिंगटन DC के मुलाजिम ने पूरी दुनिया पर लर्जा तारी कर दिया है। पूरी दुनिया हैरान परेशान इस वाक़े पर अपने रद्देमल का इजहार कर रही है और आलमी सरबराहान इस वाक़े पर बाकायदा मुखातिब हुए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ट्वीट में कहा कि अमरीका में नापसंदीदा मनाजिर देखने में आए। कैनेडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाशिंगटन में तशद्दुद पर शदीद अफसोस का इजहार किया। फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया के सरबराहान ने गैर जमहूरी एहतजाज की भरपूर मजम्मत की। तमाम वाक़े के बावजूद तवील रात, पूरी रात कांग्रेस का इजलास जारी रहा। जब हंगामा राय ख़त्म हुई, ये इजलास दोबारा शुरू हुआ। जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया कि इस इजलास का मकसद ये था कि सदारती इलेक्शन पे बाकायदा मेहर तस्दीक सब की जाए, इसका बाकायदा सरकारी ऐलान किया जाए। और बिल आखिर ये पूरी रात की हंगामा राय के बाद सारी रात ये तमाम मेम्बरान जागते रहे, उनका इजलास जारी रहा। और फिर आज अमेरिका में सुबह के करीब इसका ऐलान हुआ, मेहर तस्दीक मेहर सख्त हो गई। स्पीकर नैन्सी पेलोसी और नायब सदर माइक पेंस की ज़ेर सदारत इजलास ने बाइडन और उनकी नायब कैमला हैरिस को कामयाबी की तौसीक की और कहा कि इलेक्शन में बाइडन ने 306 और डोनाल्ड ट्रंप ने 232 इलेक्ट्रल वोट्स हासिल किए। गोया के बासानी जो बाइडन ने इस इलेक्शन को जीता, सदर ट्रंप को उन्होंने हराया। और अब बाकायदा बाइडन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ भी उठा लेंगे और आज इसका इख्तिताम बिल आखिर इस तमाम यलगार के बाद, जिसको कुछ लोगों ने बगावत कहा, उसके बाद भी बहरहाल ये इसका जिस अमल के लिए पूरा मीटिंग हो रही थी उसका ऐलान भी हो गया। और बाकायदा सदर जो बाइडन का इंतखाब 20 जनवरी को होगा और इसके साथ ही सदर ट्रंप ने भी कहा कि ये बासानी इंतकाल इख्तदार भी हो जाएगा, शायद बिल आखिर सदर ट्रंप ने इस मामले में हथियार डाले।
the announcement. فراموش تاریخی واقعات پر بات کرنے کے لیے اس کا تجزیہ حاصل کرنے کے لیے ہم امریکہ جائیں گے جہاں پر بوسٹن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عادل نجم جو ڈین بھی ہیں فیرڈے اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی میں بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ رات دن یہ دو رات دو دن گزر گئی مگر اس نے جو نقوش چھوڑے ہیں امریکہ کے امیج پہ خود ملک کے اندر تو جو اس کا ہوگا وہ ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن عالمی سطح پر جو اس نے نقوش چھوڑے ہیں اور اس سے امریکہ کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے اس کو کیا ہم متاثر کر کیا ہم اس کو کسی صورت سے بھی میجر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور میرے خیال میں کامران صاحب آئی وانٹ ٹو تھینک یو کیونکہ آپ نے یہ نقطہ جو اٹھایا ہے کہ امریکن امیج پہ دنیا میں کیا اثر پڑا ہے اس کا اس پہ بات نہ اس وقت امریکہ میں ہو رہی ہے اور نہ ہی دوسرے ہمارے اپنے ملک میں بھی جب ہم سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلیے امریکن سیاست کو کیا ہوا لیکن اس کا جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے کہ اب امریکہ کس منہ سے دنیا کو ڈیموکریسی کے بارے میں بتائے گا میں یہ ایک پیٹی بات نہیں کر رہا لیکن امریکہ جو ہے اس کی جو شناخت ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے اپنے لیے اور دوسری دنیا کے لیے اس میں جمہوریت ایک بہت کلیدی اس کا حصہ ہے امریکہ جب دنیا کو کہتا ہے کہ میں کیا ہوں تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں ایک بہت بڑا ملک ہوں میں ایک ملٹرلی اسٹرانگ ملک ہوں میں ایک اکنامکلی اسٹرانگ ملک ہوں وہ کہتا ہے جناب میں دنیا کی پرانی ترین ڈیموکریسی ہوں اور پھر وہ دنیا بھر میں کہتا ہے کہ میرا نظام جو تمہیں اپنانا چاہیے وہ ایک جمہوری نظام ہے اب سوال یہ ہے کہ ایلس ویلز یا جو بھی ان کی جگہ آتی ہیں اگر وہ کل پاکستان آئیں تو وہ کس منہ سے کسی میٹنگ میں کہیں گی کہ جناب آپ کی ڈیموکریسی اور اس کو عادل صاحب اس میں یہی بات نہیں ہے یہ ہوا ہے یہ واقعہ اب ہوا ہے اس سے پہلے میں آبزرو کر رہا ہوں کہ جب سے صدر ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں مین اسٹریم امریکن میڈیا کے اندر کہ یہ رشین ایجنٹ ہیں رشیا نے الیکشن جتوا دیا کسی صورت میں جو ہے یہ فیئر الیکشن نہیں ہوا ہے وہ چار سال سنتے رہے اس دوران جو ابھی ریس رائٹس ہوئے ہیں جس طرح سے نسلی منافرت امریکہ میں پھیلی ہے اس کے مناظر ہم نے پورے 24 گھنٹے ڈے ان ڈے آؤٹ دیکھے ہیں بہت پرانی بات نہیں ہے الغریب پریزن میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے لوگوں کو تشدد کیا گیا ہے کس طرح سے ٹارچر کو استعمال کیا گیا ہے یہ کون سا امریکہ ہے جو پچھلے 12 سال سے 10 سال سے ہم اس کی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی گلوبل لیڈرشپ وہ اخلاقیات میں بھی سیاسیات میں بھی جمہوریت میں بھی انسانی حقوق میں بھی کس بنیاد پہ اب وہ یہ لیڈرشپ کلیم کرے گا بالکل دیکھیں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک مومنٹ میں نہیں ہوتی وہ جو کیا شعر ہے کہ آسمان کرتا ہے برسوں اس کی حساب حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوا جو ہم نے کل دیکھا ہے یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے یہ 6 جنوری کی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا یہ کلمنیشن ہے اس ٹوٹی ہوئی جو ایٹ لیسٹ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹوٹی ہوئی سیاست ہے یہ بکھری ہوئی سیاست نہیں ہے بکھری ہوئی سیاست ہم بھی جانتے ہیں اور ہم بکھری ہوئی سیاست کی قیمت بھی جانتے ہیں لیکن جو امریکہ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ بکھرنے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے اوباما صاحب کے زمانے میں امریکہ کی سیاست بکھری ہوئی تھی ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے لیکن ٹرمپ نے جو کیا وہ یہ کہ ایک بکھری ہوئی سیاست کو لے کے ایسے توڑ دیا کہ کل جو ہم نے مناظر دیکھے وہ ایک طرح پیش خیمہ ہے اس سیاست کا جو ہم آگے بھی دیکھیں گے تو عادل صاحب مجھے یہ حیرانی ہے کہ یہ جو کل ہم نے مناظر دیکھے جس کو امریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ بغاوت تھی جو کہہ رہے ہیں تاریخ کا سیاہ ترین باب تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرمپ کے حمایتی ہیں اگر یہ ٹرمپ کے حمایتی خالی 2, 4, 6, 8 ہزار ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ نی جرک ریاکشن ہو گیا لوگ مشتعل ہو گئے 7 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے ٹرمپ کو امریکی 7 کروڑ امریکیوں نے ان کو ووٹ دیا ہے تو کیا 7 کروڑ امریکی جو ہے وہ اس سوچ کے چرے پروردہ نہ ہوں ہم ہی نہیں ہیں دیکھیں یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی پہلی بات میرے خیال میں ٹو بی فیئر کل جو ہم نے دیکھا وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ٹرمپ کا جو سپورٹر ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ میجورٹی آف جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا وہ کل والی حرکت کو سپورٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہی کہ 74 ملین امریکنز یہ نمبر پھر سوچ لیں 74 ملین امریکنز تقریباً کیا ہوا 7.5 کروڑ امریکن جو ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ اس بار دیا ان کی تعداد جو پچھلی بار جب وہ جیتے تھے اس سے زیادہ ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ان کی تعداد جب اوباما صاحب جیتے تھے ان سے زیادہ ہے اور یہ ہے وہ بروکن سوسائٹی
जिसको अब बेचारे बाइडन साहब जो हैं उनको लीड करना होगा। तो इन अ वे जो हम देख रहे हैं कि एक जो बड़ी ताकत है, आप सोचते हैं कि बड़ी जो कुवतें होती हैं, ग्रेट पावर्स नीचे कैसे आती हैं, और हमारा फोकस ज्यादातर जो था वो या इक्तसादियात पे था या मिलिट्री पावर पे था, हम देख रहे ये रहे हैं कि अमेरिका की अगर कोई टूट हो रही है तो वो इक्तसादी तौर पे या फौजी तौर पे। इसका पहलू है ना आदिल साहब, एक और पहलू है कि उस वक्त हो रहा है जब कोविड कम होके नहीं दे रहा है। कल भी अमेरिका में 3,000 से ज्यादा लोग इसमें मर गए, कल के दिन में कल भी जो थे वो 3 लाख के करीब लोग जो हैं वो इसमें मुतासिर हुए हैं। ये मुसलसल हर रोज़ हो रहा है, ये मुल्क का फैब्रिक है। एक जानिब से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल शटर हो रहा है, दूसरी जानिब सियासियात, इखलाकियात, तमाम मामलात में ये तो बहुत तशवीश होनी चाहिए तमाम अमरीका को इस मामले में। बिल्कुल, और एक तीसरी भी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक तरफ से तो एक तो ये सब कुछ है, दूसरा कोविड है, तीसरा ये है कि मुल्क में जो इंतशार एक समाजी लेवल पे है, चाहे वो नस्ली तफरीक का हो, ब्लैक लाइव्स मैटर का हो, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, उस लिहाज से भी ये मुल्क वो नहीं है जो कभी था। ये कल जो हमने शक्लें देखी ये सफेद फार्म थी, मुल्क उतना सफेद फार्म नहीं रहा जितना हमने कल। और चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे मेरे ख्याल में ऑल्सो गौर नहीं किया जा रहा, वो ये कि जब अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा है तो बाकी दुनिया आराम से तो नहीं बैठी, वो कोई तमाशाई तो नहीं है, बाकी दुनिया इंतजार तो नहीं कर रही कि यार अमेरिका में गड़बड़ है, वो जब खत्म हो जाएगी तो हम आएंगे। इसके दौरान जो चीन है उसकी राइज कंटिन्यू है, इसके दौरान यूरोप जो है वो एक तरह से अपने आप को थोड़ा सा डिसएंटेंगल कर रहा है कि यार हमारे तमाम के तमाम जो वो कहते हैं ना एग्स इन वन बास्केट, सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में ना हो। तो ये अगेन जो ग्रेट पावर गेम्स हैं इस पे उसका असर पड़ेगा, जहां से हमने बात शुरू की कि ये जो अमेरिकन इमेज और मॉरल अथॉरिटी है, अमेरिका पावर जो थी वो सिर्फ इक्तसादी या फौजी नहीं थी, वो एक मॉरल अथॉरिटी थी, और वो मॉरल अथॉरिटी जब टूटेगी तो वो सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, वो अमरीका की। थैंक यू सो मच आदिल नजम, हमारे साथ मौजूद थे, डीन हैं ग्लोबल स्टडीज़ के, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद अपने पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छी खबर है, इत्मीनान की खबर है, पाकिस्तान के गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत माशाल्लाह ग्रोथ नज़र आ रही है, और दुनिया भर के ब्रांड्स में मेड इन पाकिस्तान का नाम अब चस्पा नज़र आता है, और फिर ग्रोथ भी है एक्सपोर्ट्स पे, और उस वक्त हो रही है जब हमारे पड़ोस में देश में एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ा काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। सबका जिक्र करते हैं छोटे से वक्त के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आलमी टॉप ब्रांड्स पे मेड इन पाकिस्तान का चस्पा लेबल पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर रहा है, उजागर कर रहा है कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए इत्मीनान और खुशी की खबर है। ये भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अब मज़ीद इंटरनेशनल ब्रांड्स अपने गारमेंट्स मसनूआत की तैयारी के लिए पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में ऑर्डर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में पहले भी आलमी मसनूआत, आलमी ब्रांड्स के लिए गारमेंट्स टेक्सटाइल बनता था, लेकिन इसमें कलीदी इजाफा देखने में आया है। इस वक्त अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक के मार्केट्स में दुनिया के टॉप ब्रांड्स एडिडास, एम&एस, गैस, नेक्स्ट और जितने भी बड़े कलीदी ब्रांड्स हैं उन पर, उनके उनके गारमेंट्स पे अब मेड इन पाकिस्तान की मोहर भरपूर अंदाज में हर तरफ नज़र आ रही है। दुनिया भर में जाने माने ब्रांड्स में शराकत दारी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत ही इत्मीनान की खुशी की खबर है, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफे, ज़र मुबादला के इस्तेहकाम, तजारती खसारे में कमी और मुल्क का एक ब्रांड इस हवाले से मज़ीद उजागर हो रहा है, फैल रहा है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल का शोबा सनती रोज़गार में 40% और एक्सपोर्ट्स में 55% हिस्सा डालता है। हौसला अफजा बात यह है कि पिछले 2 माह के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 18% इजाफा हुआ है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट्स में 9% कमी आई और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 6% कम हुई। यकीनन इस पूरे माहौल में अल्लाह ताला का करम रहा, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के इकदाम से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इकदाम से, हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स सेक्टर ने भरपूर कारकर्दगी दिखाई, और इसी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा
और भारत की और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स में कमी होती नजर आई। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा कि मुझे इलाकाई एक्सपोर्ट ट्रेंड्स बताए गए हैं जिनसे जाहिर होता है कि नवंबर और दिसंबर में भारत और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स मनफी और पाकिस्तान की पॉजिटिव रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कामयाबी पर मैं एक मरतबा फिर एक्सपोर्टर्स और वजारत तजारत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो 2021 है ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेजी से बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी बड़ी इत्मीनान की बात है कि पहले भी और अब इसमें मजीद इजाफा हुआ है। अमेरिका के टॉप ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, चाहे नाइकी हो, चाहे जर्मनी के एडिडास हो, पुमा हो, स्वीडन के मशहूर H&M ब्रांड्स हो और दूसरे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, पाकिस्तान कई ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि पाकिस्तान लीड करता है, ख़ासतौर पर सॉक्स और स्पोर्ट्स वेयर वगैरह। और इसी तरह से पाकिस्तानी कंपनी जो इंटरलूप कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसका 90% एक्सपोर्ट्स होता है और इस एरिया के अंदर ये दुनिया में लीड करती है हमारी कंपनी। कोरोना के माहौल में पाकिस्तान को दुनिया भर से होजरी, स्पोर्ट्स वेयर और इसके अलावा बेडशीट्स, तौलिया, मास्क और मेडिकल मलबूसात के ऑर्डर मिलना शुरू हुए जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और कुछ नए एरियाज़ खुले जैसे कि ये PPEs वगैरह, मास्क वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है यकीनन इसकी पहले मार्केट नहीं थी, इसका एक नया सेक्टर जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। इसके साथ ही फैसलाबाद की जो सनअती रौनकें हैं वो भरपूर अंदाज में इस वक्त भरपूर अंदाज में वहाँ पर हमें एक्टिविटी नज़र आती है। इंटरनेशनल ऑर्डर्स की भरमार की वजह से बंद सनअती यूनिट्स भी चल रहे हैं और इंतहाई इनक्रेजिंग बात यह है कि ज़्यादा काम के बायस अब मज़दूरों के लिए भी मौके मुलाजमतों के बढ़ते जा रहे हैं, रोज़गार फैल रहा है। जो हमने इंसेंटिव्स दिए अपनी एक्सपोर्टर्स को, मुझे बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसका नतीजा आ गया, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। मैं जब यहाँ इलेक्शन से पहले आया था तो पावर लूम्स बंद हो रही थी, कई फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और वो रियल इस्टेट की तरफ जा रही थी और बड़ा मुश्किल हालात थे फैसलाबाद के। तो मुझे बड़ी खुशी थी आज जब मैंने अपने ये MPs और MNA से पता चलवाया, उन्होंने कहा जी आजकल लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि PTI की हुकूमत में टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और इसके पेशो इसी शोबे में भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे जो उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं उसको उनको कंपेयर करके उन जैसे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। हुकूमत एप्टेमा को गैस और बिजली की कीमतों में रियायत फराहम करके मसनूआत की लागत में कमी लाने की भी लिए कोशिश है और परसों वजारत तजारत ने 125 तक के लिए 5 साल की टेक्सटाइल पॉलिसी जारी की। नई पॉलिसी में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 13 अरब से बढ़ाकर 20 अरब डॉलर्स करने का भी हदफ रखा गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, गारमेंट एक्सपोर्ट, इनसे मुंसलिक एक्सपोर्ट्स और उसमें जो बेहतरी आ रही है, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आदिल बशीर, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिलर्स एसोसिएशन एप्टेमा के। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल बशीर साहब। वो बताइएगा कि जो पिछले साल के दौरान और पिछले 6-9 महीनों के दौरान जो हमारा सेक्टर था, जो हमारे पास जिन एरियाज़ को हम केटर करते थे, उसमें नई चीज़ क्या आई, उसमें एडिशन क्या आया जो कि सिग्निफिकेंट नया एडिशन हो या नया सिग्निफिकेंट हमें एरियाज नज़र आए हों? जी इस्लाम अलैकुम खान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। आप हमेशा टेक्सटाइल और इकॉनमी के इश्यूज को उजागर करते हैं, हमेशा हाईलाइट करते हैं और आपकी इस सपोर्ट की वजह से आज इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हुई है और 7 साल बाद हमारी एक्सपोर्ट दोबारा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई है। तो मैं बिहाफ़ ऑफ़ द इंडस्ट्री आई वुड लाइक टू सल्यूट यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स। आपके सवाल पे दोबारा जो आपने पूछा, उसमें बहुत जो मेजर रीज़न है कि हमारी जो सपोर्ट गैस और बिजली के निर्खों में गवर्नमेंट ने हमें रीजनली कंपेटिटिव रेट्स दिए हैं पिछले 2 साल से, उसके आज रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री 2 साल पहले बहुत इंडस्ट्री बंद पड़ी थी जैसे आपने पहले एक्सप्लेन किया है, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी इंडस्ट्री दोबारा ऑनलाइन हो गई है और आज हम फाइनली 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आदिल साहब, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि जिनमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ नज़र आई है, वो कौन से सेक्टर्स हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि जो कि हम जहाँ पे हम नहीं जाते थे लेकिन वो अब हमारे ऑर्डर्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं, यानी कि वो हमारी एक्सपेंशन हुई है।
जी खान साहब, हमारी जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है, हम गारमेंट्स और निटवेयर सेक्टर और होम टेक्सटाइल्स पहले भी करते थे, मगर बिकॉज आज हम कंपेटिटिव हो गए हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल में आ गई है, और अब हम डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं पिछले कुछ महीने से, और हम होपफुल हैं कि ये अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस फ्रेंडली, एक्सपोर्ट फ्रेंडली रहेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, और हमें आज न्यू इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में ज़रूरत है, और ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी अभी अप्रूव होने जा रही है इससे बिजनेसमैन को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हम समझते हैं कि 2 से 3 बिलियन डॉलर हर साल नई इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में होने की ज़रूरत है। तो आदिल साहब ये फरमाइएगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो श्रिंक हुई है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स या इंडिया की एक्सपोर्ट्स, और जो यकीनन जो कि उनके कस्टमर्स थे वो उनको वो केटर नहीं कर पाए, वो कितना हिस्सा है जो हमारी तरफ डाइवर्ट हुआ, और कितना हम उसको होल्ड करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, कि इनकी कमी की वजह से, इनके प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कितना फ्रेश इनपुट्स आए हैं। खान साहब, थोड़े से ऑर्डर्स बिल्कुल डाइवर्ट हुए हैं, उससे बिल्कुल सपोर्ट मिली है इंडस्ट्री को, मगर मेन रीज़न हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने का है बिकॉज आज हम कंपेटिटिव हो गए हैं, और आज पहले हम कम्पीट नहीं कर पाते थे बांग्लादेश और इंडिया से, आज हम जब कम्पीट करते हैं तो इसी वजह से हमारी सबसे जल्दी तेज़ी से गारमेंट में और निटवेयर सेक्टर एंड होम टेक्सटाइल में तेज़ी से ग्रोथ आई है, और ये मेन रीज़न हमारे बिजली और गैस के रेट्स हैं और ओवरऑल बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आदिल बशीर साहब, ये बताइएगा कि क्या पोजीशन है जो आपको वर्कर्स चाहिए होती है, जो कि जाहिर है कि जब एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो जो कि वर्कर्स है या एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो नई एम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंट नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही हैं, और जो कैपेसिटी को रन करने के लिए चाहिए उतने वर्कर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं? जी देखें, अभी तो करंटली जब हम 100% ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमें थोड़ी सी मुश्किलात फेस करना शुरू हो गई हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इतनी अभी नहीं है बिकॉज अभी नई जो इन्वेस्टमेंट है वो पाइपलाइन में है, उसको 6 महीने से 1 साल लगेगा ऑनलाइन आने में, मगर आज 100% ऑपरेट करने के की वजह से आज हमें ऑलरेडी फील हो रहा है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज इन द लेबर फोर्स। अच्छा, ये जो एक्सपेंशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आदिल बशीर साहब इसमें बताइए कि ग्रीन फील्ड कितनी, यानी कि बिल्कुल फ्रेश यूनिट्स कितने आ रहे हैं, और इसमें ग्रोथ आ रही है तो वो किन किन एरियाज के अंदर, और एक्सपेंशन जो है हम किन किन एरियाज के अंदर देख रहे हैं? देखिए जी, हमारी पूरी चेन इंटीग्रेटेड है, स्पिनिंग, वीविंग, होम टेक्सटाइल्स, डाइंग, फिनिशिंग, तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है, मगर करंटली जो वैल्यू एडेड जिसमें गारमेंट्स एंड होम टेक्सटाइल है उसमें, क्योंकि आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी से स्टिचिंग मशीन्स और आपने जो अपना प्रोसेस को ऑनलाइन लाना है वो ज़रा क्विकर प्रोसेस है, जो आपकी पूरी चेन है जिसमें स्पिनिंग में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, होम टेक्सटाइल्स वीविंग में भी आ रही है, बट उसको तकरीबन 1 साल लगेगा ऑनलाइन आने में, बट करंटली जो कि आपकी डाउनस्ट्रीम में आपकी जो स्टिचिंग इंडस्ट्री है और जो गारमेंट इंडस्ट्री है, इसमें हम समझते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर जो पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट है काफ़ी हद तक ऑनलाइन आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आदिल बशीर, चेयरमैन एप्टमा हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का खत्म होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफिज। It's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.